हेलो गाइस, मैं विनयकांत AVS की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका ये पार्ट 4 है। और इस पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे कि लीथल जीन्स यानी मृत्युकारक जीन्स क्या होते हैं और बहुगुण एलीलवाद क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 में हमने आपको अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता क्या होती है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीथल जीन यानी कि मृत्युकारक जीन, मृत्युकारक जीन्स, लीथल जीन्स, ये भी क्या है? मेंडल के नियम से विचलन है, ठीक है। मृत्युकारक जीन्स क्या होता है? जैसे शब्द से लग रहा है, मृत्युकारक यानी कि ऐसा जीन जो किसी जीवधारी की मृत्यु कर दे, ठीक है, उसे बोलते हैं लीथल जीन। लेकिन ये लीथल जीन किस कंडीशन में किसी जीवधारी की मृत्यु करेगी? पर्टिकुलर इसका कोई एक कंडीशन होता है तभी ये मृत्यु किसी जीवधारी का करता है। ऐसे नहीं कि कोई एक जीन होगा जो किसी भी जीवधारी को मार सकता है। अब देखिए, ये समयुग्मकीय अवस्था में यानी होमोजाइगस कंडीशन में ही किसी जीवधारी को मार सकता है। अब कोई जो जीन होता है, एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो जीन होते हैं, ठीक है। अब ये लक्षण प्रदर्शित करता है, अब जब ये होमोजाइगस कंडीशन में किसी जीवधारी में करेक्टर जाएगा तब उस जीवधारी की हो जाती है मृत्यु। इसका एग्जाम्पल हम आपको चूहे में बताएंगे, इसका एग्जाम्पल हम आपको पौधे में बताएंगे और इसका एग्जाम्पल हम आपको मनुष्य में करके दिखाएंगे कि किस प्रकार ये लीथल जीन मनुष्यों में, पौधों में और चूहों में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लेते हैं एग्जाम्पल चूहों में, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है 1905 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्यूनॉट एक साइंटिस्ट थे और वो कर रहे थे प्रयोग बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान समझना, ये जो कहानी बता रहे हैं ये कहानी 1905 की है। 1905 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्यूनॉट और ये क्यूनॉट पीले घरेलू जो चूहे होते हैं पीले कलर के, उनके ऊपर कर रहे थे प्रयोग। जब ये क्रॉस करवा रहे थे तो हो क्या रहा था कि जब भी ये क्रॉस करवाते, जितनी बार ये क्रॉस करवाते तो F1 जनरेशन में 2:1 का इनको अनुपात मिला था, यानी जितने भी चूहे पैदा हो रहे थे 2:1 में हो रहे थे। जबकि मेंडल ने बताया था कि 3:1 होना चाहिए, उन्होंने जब प्रयोग किया था तो मेंडल ने बताया था कि F1 जनरेशन में जितने भी संतान उत्पन्न होंगे उनका रेशियो होगा 3:1 और क्यूनॉट जो करवा रहे थे इनको मिल रहा था 2:1, तो ये काफ़ी हो गए परेशान। मेंडल ने बताया था 3:1 होना चाहिए, हम करवा रहे हैं तो 2:1 आ रहा है। तो जस्ट 5 साल के बाद दो साइंटिस्ट आगे आए, एक का नाम था प्रोफेसर लिटिल और दूसरे का नाम था प्रोफेसर कासल। दो वैज्ञानिक आए और दोनों ने इनका सहयोग किया, इनके प्रयोग को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने देखा कि जो पीले कलर का, प्योर पीला कलर का जो चूहा था वो होमोजाइगस कंडीशन में उसका एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूणीय विकास के समय ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब ये मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर लीथल जीन बन रहा था होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, जिसके कारण वो चूहा भ्रूणीय विकास के समय ही मर जा रहा था, ठीक है। अब इसको हम रेखा चित्र द्वारा समझते हैं। पीला कलर का चूहा एक, दूसरा कलर का, दूसरा यानी पीला कलर का चूहा दूसरा भी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक्चुअली ये था कि जो क्यूनॉट थे उनको ये नहीं पता था कि जो पीले कलर के चूहों में वो क्रॉस करवा रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि ये होमोजाइगस कंडीशन है या हेटरोजाइगस कंडीशन है। उनको सिर्फ इतना पता था कि हम पीले चूहों में क्रॉस करवा रहे हैं। और इसका जो गैमीट बने थे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, अब जब इन्होंने क्रॉस करवाया इस तरीके से, जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो रेशियो है यहाँ पे आप देखिए, ये जो
ये कैपिटल वाई है, ये प्योर पीला है, ठीक है, क्या है, प्योर पीला है, और ये होमोजाइगस कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए जो कैपिटल वाई होता है वो स्मॉल वाई के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, यानी उसके करेक्टर को छिपा देता है। अब यहाँ पे देखिए होमोजाइगस कंडीशन में जो एक चूहा है, ये वाला चूहा, ये पीले कलर का चूहा है, बाहर से देखेंगे तो पीले कलर दिखाई देगा, और ये पीले कलर का चूहा जो होमोजाइगस कंडीशन में है, इसकी हो जाती है मृत्यु 25%। और ये जो जो दो चूहे प्राप्त हो रहे हैं, ये भी पीले कलर के हो रहे हैं। पीले कलर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये चूहे 50% है, और ये जो 25% एक लास्ट चूहा जो F1 जनरेशन में शो हो रहा है, ये है भूरे कलर का, ठीक है, ये है F1 जनरेशन, और ये है P1 जनरेशन, और ये है गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में एगोटी। एगोटी कलर कौन सा होता है, एगोटी कलर ये होता है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है, एगोटी कलर, ये एगोटी कलर कौन सा होता है हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जो चूहे के बाल होते हैं, जैसे मान लीजिए एक हम बाल ले रहे हैं, और इस बाल में पूरा ये ब्लैक कलर होगा, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होंगे, येलो कलर के स्पॉट होंगे, क्या होंगे, येलो कलर के स्पॉट होंगे, इसको बोलते हैं अगोटी। यानी अगर बाहर से देखें तो सीधा सीधा ये भूरे कलर का लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है कि ये जो पीला कलर का चूहा है, हमने क्या बताया था, समयुग्म की अवस्था में ये F1 जनरेशन में क्या करता है, ये किल कर देता है, यानी मार देता है, जो लीथल जीन्स की वजह से, यानी ये जो है ये होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो प्रोफेसर क्यूनॉट थे, उनको जो रेशियो मिल रहा था 2:1 मिल रहा था, यानी दो पीले और एक भूरा, ये रेशियो इनको मिल रहा था, जबकि मेंडल ने बताया था 3:1 मिलना चाहिए। तो ये हो गए, कई बार इन्होंने प्रयोग किया, फिर हो गए परेशान। तो प्रोफेसर लिटिल और प्रोफेसर कौशल आए, उन्होंने इनके प्रयोग को आगे बढ़ाया, और उन्होंने देखा कि जब होमोजाइगस कंडीशन में पीले कलर का चूहा जो बन रहा है वो पॉपुलेशन में तो आ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने मादा का किया परीक्षण, भ्रूण का। तो वहाँ पे देखा कि जब ये क्रॉस करवाते हैं तो जब भ्रूणीय विकास के अंतिम चरण में ही पीले कलर के चूहे का, चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वहाँ पर, भ्रूणीय विकास के समय ही। तो ये किसके कारण हो रहा है, लीथल जीन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पौधों में, क्या लीथल जीन पौधों में भी उपस्थित होते हैं, ये सवाल आता है। तो हाँ, पौधों में भी लीथल जीन होते हैं, और सबसे पहले पौधों में देखा था ईबॉर ने। ईबॉर ने किस पौधे में देखा था, स्नैप ड्रैगन में। स्नैप ड्रैगन मतलब स्वान पुष्प, ठीक है, स्वान पुष्प में देखा था। उन्होंने देखा कि पहले हम अपूर्ण प्रभाविता में ये एग्जाम्पल देख चुके हैं, उसमें हमने देखा था फ्लावर में, कहाँ पे देखा था, फ्लावर में। और यहाँ पे यानी कि लीथल जीन्स में हम एग्जाम्पल देखेंगे पत्तियों में, जो लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं और गोल्डन कलर की लीव्स होती हैं। तो जो ईवॉर थे, उन्होंने किया क्या, टेस्ट किया, और कई बार कराया संकरण, एक गोल्डन लीव और एक ग्रीन लीव, उन्होंने दो पत्तियां लिया, दो पत्तियों वाले पौधे का एक करेक्टर लिया उन्होंने, एक करेक्टर क्या लिया, पत्ती का रंग, जो उन्होंने पत्ती का रंग लिया, तो इसके लिए जो है कैपिटल जी डिनोट किया, और इसके लिए स्मॉल जी, ठीक है। जब इसका गैमीट बनाया हमने, जब हमने इनका क्रॉस करवाया, कैपिटल जी स्मॉल जी, जब हमने इनका क्रॉस करवाया, तो हमें F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिले वो कैसे मिले, गोल्डन कलर के पत्ती वाले पौधे मिले। अब इनका हमने करवाया F2 जनरेशन में, ये है F1 जनरेशन में, ये क्या है, F1 जनरेशन, ठीक है। अब इन्होंने करवाया क्रॉस F1 जनरेशन के बाद, इन्होंने जब F2 जनरेशन की बारी आई तो इन्होंने कराया सेल्फिंग, ठीक है, और गैमेट का जब फॉर्मेशन किया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी।
ठीक है। तो अब इसका इसका देखिए तो कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी और स्मॉल जी स्मॉल जी। तो आप यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या बताया था कि होमोजाइगस कंडीशन में उस जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जब ये जो ईवार थे, जब ये बार बार संकरण करवा रहे थे तो इनको भी 2:1 का रेशियो मिल रहा था, तो ये भी काफ़ी हो गए परेशान, ठीक है। तो अब देखिए 2:1 क्यों मिल रहा था, क्योंकि ये जो कैपिटल जी है होमोजाइगस कंडीशन में इसकी मृत्यु हो जा रही थी, ये पौधा पॉपुलेशन में आ ही नहीं रहा था, प्योर गोल्डन वाला, ठीक है। जबकि ये जो तीन थे ये आ रहे थे, यानी दो ये वाले गोल्डन कलर वाले और एक ग्रीन कलर वाला पौधा आ रहा था, ये वाला का पता ही नहीं चल रहा था कि ये पौधा कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये 2:1 आ रहा था, फिर इन्होंने बाद में अपनी स्टडी को जारी किया और इन्होंने देखा इनकी भी सेम कंडीशन आ रही थी जो Q0 की आ रही थी, Q0 का भी 2:1 आ रहा था और इनका भी 2:1 आ रहा था। तो इन्होंने बाद में देखा कि जो ये होमोजाइगस की वजह से यानी समयुग्मी की जीन की वजह से इस पौधे की मृत्यु हो जा रही थी, ये पौधा पॉपुलेशन में आ ही नहीं रहा था। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो होमोजाइगस कंडीशन वाला जीवधारी होता है वो पॉपुलेशन में आ ही नहीं पाता है, वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या ये मनुष्यों में मृत्युकारक जीन्स होते हैं, ठीक है। और ये एम्स के लिए, नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मृत्युकारक जीन, ठीक है। तो हम देखेंगे मनुष्यों में, तो मनुष्यों में जो सिकल सेल एनीमिया होता है यानी कि हसियाकार रुधिराणु जो होते हैं, यानी कि सिकल सेल एनीमिया, अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया का रोगी है तो उसके लिए हम डिनोट करते हैं HBS, ठीक है। ये डिनोट करते हैं अगर कोई सिकल सेल एनीमिया से व्यक्ति परेशान है या रोगी है उसका सिकल सेल एनीमिया का, तो उसको HBS से डिनोट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कैरियर है तो उसे HBA और HBS से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया का रोगी है और उसके साथ में किसी स्त्री का विवाह होता है जो क्या है, सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है, यानी कि उसके अंदर जो आधे रुधिराणु हैं वो कैरियर हैं यानी कि मरे हुए हैं, उससे ग्रसित हैं और आधे सही हैं, इसका मतलब क्या है, वो कैरियर है। अगर इन दोनों की शादी होती है, ठीक है, अगर इन दोनों की शादी होती है तो जो बच्चा बनता है सिकल सेल रुधिराणु वाला उसकी हो जाती है मृत्यु, किसी भी कारणवश उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें लीथल जीन बनता है, क्या बनता है, लीथल जीन। जैसे एक पुरुष है जो कि सिकल सेल एनीमिया पेशेंट है, मान लेते हैं HBS, HBS, HBA, ये HB का मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में होता है, और ब्लड में यानी क्या होते हैं, RBC होते हैं, तो इसलिए इसको डिनोट करते हैं HBS, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो HBA और HBS, ये वाला जो बन रहा है HBS, ये वाला जो बन रहा है HBS, ये कैसा बन रहा है, HBS और HBS। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये A और S वाला है, ये SS वाला है, ये SS वाला है और ये A और S वाला है, यानी कि उसके 50% जो संतान होंगे वो क्या होंगे, कैरियर होंगे, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी को फैला सकते हैं, यानी सिकल सेल एनीमिया को उस नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चे में ये रोग हो सकता है, ठीक है। और जो 50% होंगे वो क्या होंगे, सिकल सेल एनीमिया का क्या होंगे, वो रोगी होंगे, ठीक है। तो और अब क्या होता है, जब सिकल सेल एनीमिया कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसकी हो जाती है मृत्यु, किसी कारणवश वो लगभग 20-30 वर्ष जीता है और उसके बाद उसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई महिला है,
या पुरुष है उसमें आधे रुधिराणु कैरियर के हैं और आधे रुधिराणु सही हैं, यानी आधे रुधिराणु सिकल सेल एनीमिया से युक्त हैं और आधे जो उसके आरबीसी हैं वो क्या हैं, ठीक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति या महिला क्या है, वो कैरियर है, यानी उस सिकल सेल एनीमिया को नेक्स्ट जनरेशन में ले जा सकता है, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल थे मृत्युकारक जीन्स के। तो मृत्युकारक जीन्स क्या होते हैं, ऐसे जीन्स जो किसी जीव उधारी की समयुग्म की अवस्था में उसकी मृत्यु कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मृत्युकारक जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुगुण एलीलवाद। बहुगुण एलीलवाद यानी कि मल्टीपल एलीलिज्म। अब आपको पता है किसी भी जीवधारी के अंदर एक करेक्टर को शो करने के लिए क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। एलील का मतलब क्या होता है, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, शुद्ध विरोधी लक्षण, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल जी स्मॉल जी, इस तरीके से क्या है, ये एलील होते हैं। परंतु एक ऐसा मनुष्य में एलील्स होते हैं जिसके तीन जीन होते हैं, यानी कि जैसे इसके एक एलील है, ये एक एलील है, ये एक एलील है, दो जोड़ी क्या होते हैं, एक जोड़ी करेक्टर्स को शो करने के लिए होते हैं। बस मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी जो वंशागति होती है उसमें दो से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक करेक्टर को शो करने के लिए। अब देखिए इसका हम डेफिनेशन किस प्रकार दे सकते हैं, जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली तीन या अधिक जीन्स में से कोई भी जीन, तीन में से कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर स्थित होती है तो उन्हें बोलते हैं बहुगुण एलीलवाद, ठीक है। और बहुगुण एलीलवाद का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मनुष्य में रुधिर वर्ग, मनुष्यों में रुधिर वर्ग, ठीक है। अब मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, एक ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर किसी पर्सन में होता है, ये चारों ग्रुप जरूरी नहीं है, कभी नहीं होता कि एक ही व्यक्ति में चारों ग्रुप हो, एक व्यक्ति में एक ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अब इनके लिए जो होता है जीन यानी कोई एलील होते हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं, जैसे ए बी और ओ, ये तीन एलील होते हैं जो मनुष्य में रुधिर वर्ग को दर्शाते हैं। और सब में क्या होता है, सब में एक जोड़ी होती है, यानी कि एक ही दो एलील होते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इस तरह से होते हैं। लेकिन मनुष्यों के जो रुधिर वर्ग है उसमें तीन होते हैं, ए होता है, बी होता है और ओ होता है, ठीक है। इससे जो है चार प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, ठीक है। इसमें जो ए है और बी है ये दोनों ओ के ऊपर क्या हैं, प्रभावी हैं, ए और बी दोनों ओ के ऊपर क्या हैं, प्रभावी हैं, परंतु ये एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं होते हैं। यानी ए जो एंटीजन है, बी एंटीजन या इसको जीन कह सकते हो, और इनके लिए एक जीन होता है जिसे बोलते हैं आई, जीन आई के द्वारा जो है इनका निर्धारण होता है, ठीक है। तो अब आइए इसको हम समझते हैं, जो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह ए वाला व्यक्ति है उसके लिए जो जीन रिस्पांसिबल होता है वो आई ए, आई ए या फिर आई ए और आई ओ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त समूह बी वाले के लिए आई बी, आई बी, आई बी और आई ओ, ये होते हैं। रक्त समूह ए बी के लिए, रक्त समूह ए बी के लिए आई ए और आई बी होता है, रक्त समूह ओ के लिए आई ओ और आई ओ जीन रिस्पांसिबल होता है। अब यहाँ पे देखिए रक्त समूह ए के लिए आई ए, आई ए, आई ए और आई जीरो, रक्त समूह बी के लिए आई बी, आई बी, आई बी और आई जीरो, रक्त समूह ए बी के लिए आई ए और आई बी होता है, रक्त समूह ओ के लिए आई ओ और आई ओ होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है उसमें तीन एलील होते हैं ए बी और ओ,
ए और बी दोनों ओ के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होते हैं, और जबकि ए और बी एक दूसरे के लिए डोमिनेंट कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम निम्न रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। इसमें हमको ध्यान क्या देना है, हमको ध्यान ये देना है कि किसी जब दो जील दो एलील के अलावा तीसरा कोई जो एलील होता है अगर वो रिस्पॉन्सिबल होता है वंशा गति के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो उसे बोलते हैं बहुगुण एलीलवाद। यानी दो से ज़्यादा जीन हो, क्या हो, दो से ज़्यादा जीन हो, जीन या एलील दोनों कह सकते हो, दो से ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं बहुगुण एलीलवाद। अब देखिए इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि मादा का रुधिर वर्ग जो है वो ए है और पुरुष का जो रुधिर वर्ग है पुरुष का रुधिर वर्ग बी है। तो यहाँ पे देखिए चार प्रकार से ये नेक्स्ट जनरेशन में किस प्रकार ब्लड ग्रुपिंग होती है। अब आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार बच्चों में रक्त समूह ट्रांसफ़र होता है, आप इसको समझ सकते हैं। अब ये चार प्रकार से हम आपको इसको समझाएंगे। पहले दो लेते हैं, मान लीजिए माता का जो रुधिर वर्ग है, यहाँ पे हम ले रहे हैं पुरुष का रुधिर वर्ग, पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है बी है, तो बी होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है और हेटरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। तो पुरुष का पहले ले रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कि आई बी। माता का जो रुधिर वर्ग है इसको हम लेते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कि आई ए और आई ए, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देखिए आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी और यहाँ पे क्या है आई ए और आई बी। यानी आप यहाँ पे देखिए जो इनके संतान होंगे उन संतानों में क्या होगा, सब में सारे जो संतान होंगे उनके कैसे होंगे, सारे संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए और बी, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लिया था, पिता का यानी पुरुष का रुधिर वर्ग हमने लिया था होमोजाइगस, अब हम लेंगे हेटरोजाइगस। पुरुष का रुधिर वर्ग है आई बी और आई ओ। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या लेंगे, माता का रुधिर वर्ग सेम रखेंगे, यानी कि जो महिला है उसका रुधिर वर्ग क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, यानी कि आई ए और आई ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई ए और आई बी, इसका देखते हैं आई ए और आई ओ, इसका देखते हैं आई ए और आई बी, इसका देखते हैं आई ए और आई ओ। तो यहाँ पे आप देखिए जो 50% उनके संतान होंगे उनमें जो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा होगा, ए बी। देखिए बिल्कुल आसान है, ए बी यहाँ आ रहे हैं, दो जीन आ रहे हैं, तो ये दो क्या होंगे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे। और 50% जो उनके संतान होंगे उनमें कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ए वाला होगा। ठीक है, और इस प्रकार से होता है निर्धारण कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम जो पुरुष था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, बी। अब इसका हम लेते हैं हेटरोजाइगस कंडीशन, आई बी और आई ओ। अब जो माता का रुधिर वर्ग यानी मादा का रुधिर वर्ग ए है इसको भी हम लेते हैं क्या, हेटरोजाइगस कंडीशन में, आई ओ और आई ओ, आई ए और आई ओ। अब यहाँ पे देखते हैं आई ए आई बी आई ए आई ओ आई बी आई ओ और आई ओ और आई ओ। तो यहाँ पे आप देखिए जो 25% उनके संतान होंगी उनमें ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी वाला। ठीक है, 25% कैसी होंगी उनके संतानों में ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप।
25% क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप। 25% की संतानों में क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो आप यहाँ पे देखिए ए बी, ए बी और ओ चारों ग्रुप के संतान, यानी कि अगर किसी भी महिला की शादी ऐसे जीन वाली के साथ होती जिसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है, हेटरोजाइगस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसकी शादी किसी पुरुष के साथ होती है जिसमें जो उसका ब्लड ग्रुप है हेटरोजाइगस कंडीशन में उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके सारे बच्चे कैसे होंगे, चार, अगर उसके चार बच्चे होते हैं तो उनमें कैसा ब्लड ग्रुप होगा, एक में ए बी होगा, एक में ए होगा, एक में बी होगा और एक में ओ होगा, यानी चारों संतानों में इस प्रकार चारों ब्लड ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मादा का रुधिर वर्ग ए और पुरुष का रुधिर वर्ग बी इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक कंडीशन और ले लें, कंडीशन ये ले लें कि जो पिता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में ब्लड ग्रुप बी है और महिला जो है उसका हेटरोजाइगस कंडीशन है, यानी कि आई ए और आई ओ है। तो यहाँ पे देखते हैं आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई बी और आई ओ, आई बी और आई ओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50% संतानों में कैसा ब्लड ग्रुप है, ए बी है, और 50% संतानों में कैसा ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये देखिए ये बी ओ के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ये अपने आप को करेक्टर शो ही नहीं कर पाता है, ये क्या है, इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप बी 50% बी और 50% ए बी। तो इस तरीके से हम कई प्रकार के क्रॉस करा सकते हैं, अगर पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, इसके साथ भी करा सकते हैं, यानी कि अगर आप क्रॉस कराना चाहें तो आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप घर पर कर सकते हैं। जो पुरुष है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ है, मादा का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब ए में आप दोनों करा के देखिए, हेटरोजाइगस कंडीशन में भी और होमोजाइगस कंडीशन में भी करा के देखिए। दूसरा इसका ओ है और मादा का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब इसका भी आप होमोजाइगस करा के देखेंगे और हेटरोजाइगस करा के देखेंगे। पुरुष का जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें तो आप करा नहीं सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये सेम होता है, होमोजाइगस कंडीशन ही होती है इसकी, हेटरोजाइगस कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसमें कितने होंगे, एक ये इसके साथ होगा होमोजाइगस कंडीशन साथ, एक हेटरोजाइगस कंडीशन साथ, यानी दो इसके बनेंगे और दो इसके बनेंगे, यानी चार, आप ये करके घर पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ब्लड ग्रुपिंग होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मल्टीपल एलिलिज्म किसी एक ही पर्सन के अंदर हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मल्टीपल एलिलिज्म एक पॉपुलेशन के अंदर यानी एक समुदाय के अंदर ही कई सारे जब लोग होंगे उसमें देखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि एक ब्लड ग्रुप एक ही व्यक्ति के अंदर हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि एक ब्लड ग्रुप दो व्यक्ति के अंदर हो सकता है। ठीक है, और सबसे पहले इसको किसने देखा था, बर्नस्टीन ने देखा था, किसने, बर्नस्टीन ने देखा था, उन्होंने बताया था, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने देखा था, बर्नस्टीन, बर्नस्टीन ने इन्होंने देखा था, ठीक है, ब्लड ग्रुप किस प्रकार जो है संतानों में होता है, ब्लड ग्रुपिंग किस प्रकार होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस पर कई सारे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन एम्स में भी इस पर आधारित पूछे जाते हैं कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ये है, माता का ब्लड ग्रुप ये है, तो इसके संतानों में ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।